इसके बहुत काम होते हैं और अपने मोबाइल में जेब घुमा के रखते हैं। जेब घुमा क्या क्या था ये? नेक्स्ट ट्रिप बन रहा है बागेश्वर, जल्दी। कौन सा बागेश्वर? बागेश्वर बागनाथ। बागनाथ जा रहे हो? किसी साथ? जाऊंगा किसी के साथ भी, लेकिन तेरे को नहीं लेके जाऊंगा। मैं आऊंगी भी नहीं आपके साथ, बड़े तो कैसा लगा तेरे को? अच्छा लगा, थोड़ा सा बुरा भी लगा। तो यार, दो दिन घर से बाहर रहने के बाद, यानी कि नैनीताल, अल्मोड़ा, कैंची धाम, ये सब एक्सप्लोर करने के बाद आज फाइनली गंगोली हाट में हूँ। सो गुड मॉर्निंग, एक और नए दिन, नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से गंगोली हाट से। और आप लोग ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है, कल तो शाम को पहुँचा था, उसके बाद इतनी थकान हो गई, मतलब उसके बाद कुछ शूट करने का मन ही नहीं किया। सुबह कुछ क्लिप शूट करके आज का ब्लॉग डाला है, फिर जो चीज़ें रह गई थी वो सब बताया उसमें और व्लॉग डाल दिया है फाइनली, और नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है। अभी ना वो डब्बे से खेल रही है, कोई इंटरेस्ट ढक्कन से, और उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हमारे व्लॉग में आने का फिलहाल इस टाइम। थोड़ी देर में मिलाते हैं, बाकी स्नेहा से पूछते हैं, उसने हमारे व्लॉग देखे होंगे, नैनीताल से जो व्लॉग डाला था वो देखा होगा। तो कैसा लगा तेरे को? अच्छा लगा, थोड़ा सा बुरा भी लगा। और घर आके मुझे पता चला कि स्नेहा इससे पहले नैनीताल नहीं गई हुई है। मैं कभी नैनीताल नहीं गई, और ये जब भी गए मेरे बिना गए हैं, इस बारी भी मेरे बिना गए, काइनो के बिना गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा व्लॉग्स देख के ना, मतलब इतना मन कर रहा था कि काश हम भी उधर होते। और मैं तो ये सोच रही थी कि अगर काइनू के साथ अगर बोट पे बैठते हम लोग, जो वो क्या बोलते हैं उसको, बोटिंग जो करते हैं, तो काइनू कैसा फील करती, वो चीजें मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी। अब मैं सोच रही हूँ जब भी ये जाए, भले काइनू कितनी बड़ी हो, मतलब कि अभी तो 6 महीने की है, अब 7 महीने की, 8 महीने की, 9 महीने की, जब भी हो मैं तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। हालांकि हम लोग फिर बाइक से नहीं जा पाएंगे, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, और ये हमारे साथ ही आएंगे, ये जो बाइक के मजे लेता है ना राइडिंग में, तो ऐसे नहीं जा। भाई साहब क्या मजे, 2 दिन पूरी बाइक चलाई मैंने और इतनी हालत खराब ना, क्या बताऊं, कमर की तो वाट लग गई है। लेकिन चलो मजे भी आए, काफी सारा नया नया एक्सपीरियंस था, रेन कोट वगैरह पहन के, ऐसे कभी बाइक नहीं चलाई थी तो वो सब भी एक्सपीरियंस किया, और कैंची धाम के दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेरे को तो ना ये वाला ट्रिप काफी अच्छा लगा। जल्दी नेक्स्ट प्लान जब करेंगे तब काइनो और स्नेहा को साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा डर जाते हैं ना, छोटा बेबी है, कैसे कैरी करेंगे इसके साथ। तो मतलब अगर चले जाएंगे ना, मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि करने से सब होता है। तो ये भी इसको ना सारी इसको धीरे धीरे आदत डलानी है सारी चीजों की, तो क्योंकि ये भी भाई आने वाला ब्लॉगर है और पता नहीं क्या क्या है ये। तो दो दिन पापा को मिस किया पापा को बहुत। कल जब मैं आया हूँ उस टाइम पे इसने ऐसे रिएक्शन दिए मेरे को, मतलब कहाँ था वाला तू, कहाँ था इतने दिन ऐसा वाला। हाँ, वो तो क्या कहते, बाकी मैंने जो शूट किया था उसमें काइनू ने इतना गंदा रिएक्ट किया, मतलब जैसे कि काइनू बिल्कुल बात ही नहीं करना चाह रही हो। पता नहीं एक तो मेरा फोन की वजह से किया या क्यों किया, क्योंकि ये शूट करते हैं हमेशा, हमारी शूट करते हैं, तो पता नहीं किस वजह से किया। तो आज काइनू थोड़ा खुश भी लग रही है ना। और हाँ, एक बात और बताना मैं भूल गया कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि कैंची धाम जाके मैंने मीट मांस ये सब छोड़ दिया, नॉनवेज, तो मैं प्योर वेजिटेरियन हो चुका हूँ, और साथ साथ स्नेहा भी हो चुकी है। मैं बताना भूल गया, स्नेहा ने मेरे से बोला था कि अगर आप छोड़ोगे तो मैं भी छोड़ दूंगी ये सब, तो स्नेहा भी अब से प्योर वेजिटेरियन, कभी भी हम किसी के यहाँ जाते हैं अब रिश्तेदारी में या कहीं भी जाते हैं तो प्लीज़ हमारे लिए ये सब ना बनाएं। हमारे लिए क्या बोलते हैं, नॉनवेज चीज़ें ना बनाएं, और अगर तब भी हम कुछ भी सब्जी खा लेंगे, और ये भी वेजिटेरियन ही रहेगी, इसको तो खैर पता ही नहीं होगा, इसको पता चलने ही नहीं, चीज होती है, ऐसा पता ही नहीं चलने देंगे अब इसको हम। बेचारा, इसको पता ही नहीं होगा। वैसे ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे जो जिनको पता ही नहीं होता है, बच्चे से लेके, तो उनके घर में नॉनवेज बनता ही नहीं है, तो नॉनवेज जानते ही नहीं है,
तो ऐसे ही काइंड। खैर उत्तराखंड में रह के इसको पता तो चल ही जाएगा कि नॉनवेज क्या होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पूजा वगैरह बहुत होती है घर पे भी, जैसे पूजा होती है ना, तो बाकी बाद में अगर बड़े होके खाना चाहे तो इसको कोई पाबंदी नहीं है इस पे। तो नए दिन की शुरुआत और ब्लॉग सुबह सुबह ही चार अभी मिनट एक चीज दिखाना चाहूंगी मैं आपको, मारे लेके आए हैं काइनो के लिए। कुछ नहीं लेके आया, नैनीताल और कैंची धाम में ना इतनी ज्यादा मतलब वो है क्या बोलते हैं महंगाई है, और खास तौर पर मुझे कुछ ऐसा कुछ खास मिला भी नहीं जो मैं इन लोगों के लिए ला सकता था। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं लाया, एक काइनो के लिए छोटा सा नीम करोली बाबा का, एक साइड इसमें बाबा जी है, एक साइड इसमें हनुमान जी है, तो ये लेके आया मैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसको पहनाना चाहिए नहीं पहनाना चाहिए, कहीं मुंह में न डाल दे, निगल न ले, ऐसा ना निगलेगी कैसे उसको, तो यहाँ टक करके रखेंगे ना उससे, एक ब्लैक थ्रेड जो होती है उससे यहाँ पे लगाएंगे, बहुत छोटा सा बनाएंगे ताकि वो, लेकिन चुभने का थोड़ा बहुत। और एक कड़ा लेके आया था इसके लिए, उसको भी ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो वो भी उतार दे रही है, निकाल दे रही है। तो ज्यादा कुछ तो कुछ ऐसा खास था नहीं मतलब लेने के लिए, स्नेहा के लिए भी सॉल्स वगैरह थी काफी महंगी थी, मैंने कहा क्या ही लेना, फिर घर आके उल्टा मैं डांट ही लगाती थी इतना महंगा क्यों लाए। तो इससे अच्छा मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, आप लोग ही बताओ, 700-800 रुपए के सॉल मिल रहे थे, मैंने नहीं लिए। और बाकी सॉल्स अच्छे में होंगे ना, अच्छी थी, अच्छी होंगी तो फिर महंगी आती है सॉल्स, ऐसे ही नहीं लिए। कहाँ खुश रहे बिनो। बाकी एक बाबा जी की तस्वीर जो मैंने सोचा था पहले से कि लेके आऊंगा, वो लेके आया हूँ, वो अब लगाऊंगा घर पे कहीं पे या मंदिर पे। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा बाहर का मौसम गंगोली आर्ट के नज़ारे, और होप कि ऐसे ही ट्रिप्स बनते रहें और आप लोगों को नई नई चीज़ें हमारे ब्लॉग्स के थ्रू भी देखने को मिले, मतलब आप लोगों ने तो देखी होंगी लेकिन हमारे ब्लॉग्स में भी ऐसी नई नई चीज़ें देखने को मिले। मैंने तो देखी नहीं थी, और जैसे मतलब ये नए नए एक्सपीरियंसेस ले रहे थे रेनकोट के साथ बारिश में भी, मेरे को तो बड़ा मन हो रहा था कि यार ये ऐसा खुद पे एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं और हम लोग बेचारे घर पे पड़े काइनोर में भी जाएंगे रेनकोट पहन के बारिश में भीगते भीगते। चलिए फिर बाहर। ये देखो 6 बजे का टाइम चल रहा है और अंधेरा सा हो गया है और फुल बारिश चल रही है बाहर, बिल्कुल ही अंधेरा सा हो गया यार। तो यार 2 दिन घूमने क्या गया, तबीयत पूरी खराब कर ली है, मतलब बॉडी एकदम टूट रही है, 2 दिन पूरा बारिश में भीगा हूँ और लंबी राइड थी तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा ऐसा ही हो गया है, बॉडी ना पूरा दर्द कर रही है और जुकाम काम सा हो गया है, तो इस वजह से दिन भर कुछ भी सूट नहीं हो पाया आज। स्नेहा को बोला मैंने कुछ सूट कर लेना, ये भी मस्त हुई अपना। मुझे बहुत काम होते हैं और अपने मोबाइल में जेब घुमा के रखते हैं। जेब घुमा क्या क्या था ये? अब ना जेब में मोबाइल बोल रही है, अपने मोबाइल में जेब घुमा के रखते हैं, ये क्या बात है? अरे मतलब सोए थे तो अपने पॉकेट में मोबाइल डाल के सोए हैं, अब मैं चोरी थोड़ी करूँ यार किसी के उसमें से। अच्छा ऐसा है क्या? मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई और हसीन हो गया। अरे मेरा मुंह से निकल गई, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जुबान टूट गई यार। तो आजकल मैंने काफी दिनों से व्लॉग बनाया नहीं है और मैं व्लॉग में आ नहीं रही हूँ, तो ऐसी मेरा रोज ही आ रही है। तो व्लॉग में कब नहीं आ रही है? कब मैं बोली हूँ व्लॉग में? कल भी आई थी, परसों भी आई थी। अब तो फिर भी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, दिन भर सोया ही था आज, ज्यादा कुछ किया नहीं, एक दो रील एडिट की बस वही डाली और तो कुछ कर नहीं पाया। बाकी दिन भर गजब की झमाझम बारिश चल रही है, दिन भर तो नहीं, दोपहर में एक बार बारिश हुई, अभी भी बाहर मस्त बारिश चल रही है, दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में कि ये ए काइनू, काइनू को तो जादू बना रखा है इसको, जब भी मैं शक्तिमान बनाती हूँ ना इतना खुश होती है, मतलब कि ऐसे ऊपर को करके मैं बोलती हूँ शक्तिमान, तो समझ जाती है कि इसलिए मुझे घुमाने वाली है अभी। शक्तिमान बना दो।
शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो जो हमारे जब जब हम हमारा चाइल्डहुड हुआ करता था ना, तो हम बहुत ज्यादा देख मैं तो बहुत ज्यादा देखती थी शक्तिमान छत पे जाके गोल गोल घूमता था, तो मुझे इतने अच्छे से याद ना हो शक्तिमान शक्ति, एक तो वो था और एक जूनियर जी हुआ करता था और एक हातिम, तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे शोज देखती थी। अब तो ये लोग तो सब जानेंगे कि ये कुछ होता नहीं है, रियलिटी ऐसी कुछ है नहीं, बट मैं एक्चुअल में ऐसा समझती थी कि कोई शक्तिमान है और ऐसे हेल्प करने आता है और गोल गोल घूम के उड़ता है ऐसा मैं सोचती थी बचपन में। सभी सोचते थे, छोटे बच्चे जब होते थे सभी सोचते हैं। तो काइनू भी सोचेगी क्या? काइनू को ये सब दिखाना ही नहीं है। ये अगर काइनू ऐसा शो देखे तो ऐसा समझेगी, क्योंकि आजकल के बच्चों का जो आईक्यू लेवल है ना थोड़ा बहुत ऊपर है, मतलब वो एक्टिंग और रियलिटी में फर्क समझते हैं कि ये एक्टिंग है और ये रियलिटी है ना काइनू। थोड़ा एक्टिंग करके दिखाओ। आजकल काइनू अलग अलग चीजें सीख रही है। क्या सीख रही है? एक तो गुस्सा दिखाना सीख रखा है काइनू ने, नो जैसे ऐसे वाला। काइनू गुस्सा करके दिखाओ। इतना चालाक बच्चा है ना, अभी नहीं दिखा रहा। तो यार आज का व्लॉग ऐसा ही था, कुछ ज्यादा था नहीं व्लॉग में अपनी। ऐसा बस क्या करके आए जो आप इतना थक गए हो? अरे एक तो बाइक बहुत ज्यादा चलाई, प्लस दो दिन कंटिन्यू भीगे ही है। कुछ कुछ टाइम ही ऐसा था जब भीगे नहीं है, इस वजह से ना। जो ये बोल रहे हैं भीगे हैं बाइक चलाई, ठीक है मानी जा सकती है बात, लेकिन जो गांव घरों में औरतें होती है ना, अरे तो जिसको आदत नहीं होती, मैं भी दो चार बार करूंगा तो मेरे को फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट ट्रिप बन रहा है बागेश्वर, जल्दी। कौन सा बागेश्वर? बागेश्वर बागनाथ। बागनाथ जा रहे हो? किसी साथ जाऊंगा? किसी के साथ भी, लेकिन तेरे को नहीं लेके जाऊंगा। मैं आऊंगी भी नहीं आपके साथ, बड़े आदमी। जल्दी बागेश्वर।